छत्र की जय। रामायुधियंकित गृह शोभा परिणि न जाय, दाउ तुलसी का बीज तहा घर से कपिरा। रावण के जो महल है, हनुमान जी महाराज जब लंका में घुसी तब बाबा तुलसी जी की मंदिर मंदिर प्रतिकर सोदा। हनुमान जी महाराज मंदिर पहली देखा था। हाँ, जे व्यक्ति के जीवन में, जे व्यक्ति के ध्यान में हमेशा और सीताराम जी के मूर्ति बसे, जे व्यक्ति ला सीताराम के मूर्ति हमेशा दिखा थे, वो व्यक्ति ला मूर्ति दिखी ना, मंदिर दिखी ना, प्रसाद दिखी ना, घंटी दिखी ना। और जे व्यक्ति के मन में भगवान नहीं है, आज बुला दुनिया है देन विचित्र दिखते। एक सुंदर हमर व्यवहार जगत भर संदेश देते बाबा तुलसी। हनुमान जी महाराज जब माता जानकी के खोज में गीता, सबसे पहली मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, मंदिर दिखी। ए मंदिर दिखी से कारण का सियाराम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जो की पानी। बाबा तुलसी संदेश देते के संसार में और कोई नहीं है, सिर्फ सियाराम। और कहां बसे है? ए हृदय रूपी मंदिर में बसे है। तयाज सबसे पहली लंकापुरी में पहुंची सना तवला सिर्फ सीताराम, सीताराम जेती देखे देती सीताराम सीताराम। ए मन में आज संकल्प लेके हनुमान जी प्रवेशी नगर की जय, सबका जय हृदय राखी कौशल राजा। मातेश्वरी जानकी भगवान राम ला हृदय में धारण कर दीजिए। जैसने मन रहिदाय हो, जैसने खाही अन्न वैसने रही मन। आज ओगरे सेती बाबा तुलसी के दौ हनुमान जी ला लंकापुरी घरों मंदिर मंदिर बरोबर लागत है। और ओकरे बगल में एक अलग भवनी से वो भवन के आज निर्माण होली से होकर विशेष पहचान तारीख तेला बाबा तुलसी नीचे दोहा में लिखे राम आयु। एक सुंदर से भवन बने नीचे तेकर दोनों तरफ राम आयु, राम के धनुष और बाण के आज फोटो ला छाप दे ली दाई। जैसे घर में आप हम सब घर बनाता नहीं ते में राम और सीता लिखा, लेकिन आज जमाना परिवर्तन हो चुके है। यही झात बात है ना, आज भवन बनाते ते में लिखते था सावधान अंदर लगते हैं कितना दुख लगते हैं। अरे अंदर कौन है? अंदर कोई मानव है, लेकिन लिखे कहा? बस यही बात ला रामचरितमानस सिखाते भैया। संसार में परमात्मा के कृपा से तीन चीज बरा है, पहला रोटी, और रोटी कैसा होना चाहिए? रोटी सात्विक होना चाहिए। दूसरा कपड़ा, कपड़ा कैसा होना चाहिए? ना कपड़ा संस्कृति पूर्वक होना चाहिए। जेन कपड़ा ला हमर संस्कृति में पहने जाते, ए भारत वर्ष में पहने जाते, वैसे कपड़ा होना चाहिए। और तीसरा मकान, मकान में अपन इष्ट देव के नाम होना चाहिए। विभीषण जी महाराज जो मकान बना रही थे में काली के रहा है, एक तरफ रामे बड़े आके मात्रा राम और दूसरा तरफ मां। रावण एक दिन जाकर थे विभीषण बोला समझ नहीं भाई, ये मकान में नाम लिखे राय और माते काए, अरे कहीं ते अब भीतर घात तो नहीं कर हंसना।
कई मोर दुश्मन के नाम लग मिल के सना तब भीषण जी महाराज के ही भैया ए रा लिखे मना एक कौन जान था रा से रावण मध्य भैया आपके नाम ला लिखे हो अरे मारे मां से मंदोदरी दाई के नाम लिखे हो कितना सुंदर संकेत आज निश्चित रूप से पूछने वाले कुछ भी समझे मानने वाले कुछ भी माने लेकिन आज हमारे हिंदू धर्म वाला माने के प्रयास करा आवत की बात सुनता या थे विवेकानंद जी महाराज इसने रास्ता में चलत रहा है भयंकर भीड़ लगे रहा है एक जन पहरुपिया है तो अपन झोला में तीन ठन मूर्ति धरे रहा है ध्यान से सुनता जी तीन ठन मूर्ति धरे रहा है पहला मूर्ति हनुमान जी के और हनुमान जी के मूर्ति कांच से बने रहा है लोहा से बने रहा है दूसरा मूर्ति भगवान विष्णु के मूर्ति भगवान विष्णु के मूर्ति पीतल के बने रहा है और तीसरा मूर्ति प्लास्टिक के बने रहा है सोन के पालिश लगे रहा है और वो मूर्ति काट के ऐसे करके रखे थे फोटो में दीवार में चिपका दे रहे थे वो खिला थे ओके आज वो बहरुपिया है तेरे हमारे हिंदू समाज के व्यक्ति ला इकट्ठा करके कहा रहेगा जेल भगवान में ताकत हो एक कड़ाही है सामने में एक कड़ाही पानी डाला है बहुत बड़े कड़ाही है जेल भगवान में ताकत हो एक कड़ाही के पानी ले तैर के निकला ही जे भगवान तैर ही भगवान हाँ दुनिया में सारे लाओ हनुमान जी पही लाओ हनुमान जी काक बने हैं सुरु सुरता करा रहे हैं हनुमान जी लोहा के बने हैं बहनी लोहा के हनुमान लाओ कड़ाही में डाली बस दो कड़ाही को भूल जाए निकल ले हनुमान जी महाराज भूल गए जितना आ रहा सब ताली बजावा थे तुम अलग निकाल ओमर बजाते और वाह वाह कहते हो बहरुपिया ला गुरु समझाते अब दूसरा भगवान ला लाया जाए विष्णु भगवान ला लाई तब पीतल के बने बहुत डरी बहुत दुख के अब तो पक्का विश्वास हो गया सब झल्ला कि सचमुच में ए असली गुरु ये अब यही बता कि तेरा स्तंभ चलबो इसे कहा अब तीसरा नंबर में वो प्लास्टिक वाला भगवान ला डाली और मैं सोन के पाली से लगे रहा है लकलक लकलक करत रहा है अबे मन कहा थे ये ऊंचा भगवान है तब आखिरी डाला थे लाजी अब अंतिम में जब प्लास्टिक के भगवान ला डाली ना तो कड़ाही के पानी में उफल गए अब तो जोरदार ताली बज गई जगह में सब लाइन लग गए गुरु बना बोला ओ सब लोग सांझकिन के टाइम थी सांझकिन सब तुम्हार मन घर आऊ में चेला बना बारे से कहा विवेकानंद सब बोल रिखत रहा विवेकानंद जी साहब कहते भाई हमारे हिंदू देवी देवता मन के परीक्षा पानी से नहीं हुए हमारे हिंदू देवी देवता मन के परीक्षा रागी से होते कैसे राम भक्त मानस में राम के जब अवतारण राम जन्म लेके इस कहां से तब यह दृश्य भजे पावन सकल कहे समझा आज राम जी जब अवतरण लेके इस सिंगी ऋषि के यज्ञ के माध्यम से अग्नि से प्रकट हुए दूसरा माता जानकी ला राम खुद से कहा तुम्हें पावन के मम करू निवास जानकी ऐसे कहा देख कुछ समय के लिए अग्नि में प्रवेश हो जा मैं निशाचर मन के नाश कर ये दूसरा और तीसरा हनुमान जी महाराज लंकम के होकर पुचिल धर के सब कपड़ा लपेटा थे और आगी जला दे ये तीनों धन देवता मन के परीक्षा हो ना वैसे भी बेकार उनका थे अहू कर परीक्षण करना है तो आगी से परीक्षण किया जाए तब एक बार का करे ला भी वो कड़ाही गर्म किया जाए वो चूल्हा लगे पड़ जाए और चूल्हा लगा के कड़ाही लग गर्म करी पानी जब खोलीस ना तब तक अब चालू कर देता मन डाले भगवान हनुमान ला डाली तो लोहक बने रहेगा ही है लोहक बने रहे कहीं नहीं हो दूसरा में विष्णु भगवान ला डाली पीतल के बने रहा है बहुत कहीं नहीं हो
अब तीसरा में एका भगवान के पार यही सो प्लास्टिक वाला के तक कथे वो बहन क्या ओकर ले पहले एक गिलास पानी पिला देते गाजी मुलाय से कथे एक गिलास पानी पिले ही सोला अब वो प्लास्टिक के जे भगवान है इसे वाला ओ भगवान ला जब डाली ता डाई मन सलगा वाला सागरान थे ना ता जाना थे पागला डर के चालू हुई तब पिछली ले से डाली पो के तब रही बने अब नहीं डरता रही कोई डाल देना तब ज्यों त्यों रहते हरी पिछली उसने अब कड़ाही पिछली उसने ना आज जैसे डबके चालू हुई तब वो प्लास्टिक के भगवान हाँ सब पानी में घूर घूर के घूर घूर के घूर घूर के खेती जाते होती जाते होती जाते हजार हजार बड़ा हो गए वो भगवान हाँ डबका देखा रहा है हिंदू के मन का दया ये बहनुतिया हमला बहकाव में बहकाव बराली से आज हिंदू देवी देवता के जयकारा होते वो जगह में बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। ऐसने आज हर व्यक्ति के जैन निवास में अपन हिंदू देवी देवता के प्रतिमा रहना चाहिए हर हिंदू के आत्मा में परमात्मा के वास है निश्चित होकर याद रहना चाहिए और वही आज माता शांति के तलाश करने पर हनुमान जी महाराज लंकापुरी में पहुंचे है जी हाँ देखा थे विभीषण के घर में आज सुंदर राम और सीता के आज सुंदर नाम अंकित है और भगवान के धनुष बाण के अंकित है और जब बगल में देखे तब देखी इसका नव तुलसी का विंधिता देखी हरस कपिराय तुलसी एक कौन तुलसी है एक तुलसी वो जे जालंधर के पत्नी हुई और रामचरितमानस के एक अहम कारण मनीष रवान लिखे के अहम कारण जलधर के माओ आज भी बिंदा दूसरे धर्म में आज भगवान के आशीर्वाद से तुलसी के पौधा के रूप में परिणित हो आज वो तुलसी की ही स्वामी प्रभु मोला जपते तुलसी में परिणित कर रखा तय तुलसी तो ठगा जाए तय तुलसी ला फायदा कार भगवान श्री हरि की ही तुलसी तोला बे पूजन में जा दिवे जे जगह में ते तुलसी पौधा के रूप में परिणित होवे ओ जगह में मैं शालिग्राम बन के बैठे रहूंगा आज ही तुलसी की पौधा है और दूसरा तुलसी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आज दुनिया के झमेला ला त्याग करके आज अपन पत्नी के बात ला मान करके आज कितना बड़े संत बन गए आज दुनिया दुनिया ऊपर नाप लगा आज वो तुलसी भी महान है आओ चर्चा करो और एक सुंदर भजन के बाद सिंहासन चढ़ चले एक बंधे Thank you.
सबसे पहले आप सब लोग बताएं निश्चर हित करो मही जब उठाए प्रण की सकल मुनि के आश्रम जाई जाई सुखनी। अब विचार करो हनुमान जी महाराज ये ते माता जानकी खोजे बर लंका में गए ओकर पहली संपाति जी महाराज है ते हनुमान जिला बता चुके है कि मैं अपन बुढ़ाए आंख से देखा था माता जानकी कहां बैठे अशोक वाटिका के नीचे और अशोक वाटिका के दूरी और लंका के प्रांगण के दूरी लगभग 2 किलोमीटर के दूरी है। अब 2 किलोमीटर के दूरी में हनुमान जी महाराज काबर जाती श्रीलंकापुरी में अशोक वाटिका में जाकर इस मातेश्वरी जानकी के तलाश में गिरता लेकिन कोई संत मन कहते परमात्मा के जिन वाक्य है आज परमात्मा के जिन वचन है महूल आपका करना है। आसाम में बताया कि प्रयास कर रहे विप्र भेद विप्र विप्रमण के रक्षा करे पर भरत जी महाराज धरती में अवतरित हुई भेद के रक्षा करे पर गौ माता के रक्षा करे पर लखनलाल जी शेष सहस्त्र शीष जगतार सोए अवतरे भूमि भय तार लखनलाल जी महाराज अवतरित और सुरमन के रक्षा करे पर शत्रुहन जी महाराज अपन के संत तय आपला ज्ञान होई ज्ञात होई आप सब जाना खुदाई हो मानस के मर्म क्या आप लंकापुरी में सिर्फ अतिशाचर नहीं रहा है नीचे के पंक्ति में लिखे भला है का लंका में चरण कर निवासा इहा कहा सजन कर वासा लंकापुरी निशाचर के नगरी कही के लेकिन ए मकान ला देखे बाद में समझ में आते ए मकान ला देखे बात समझ में आते ए मकान में रहने वाला निशाचर नो है। आओ यदि भगवान राम के संकल्प घलो याद है भगवान संकल्प करे है संत मन के रक्षा करना है और संत मन ला दर्शन कराऊं के वचन करे है राम जी वो समय में की ही तत्कबेर अंगूठी दी तत्कबेर हनुमान जा लंकापुरी जावा था जी लेकिन एक ध्यान रखे रावण हा राजनीतर गए और महू जानते राजनीति ला रावण छनी जाने और हर व्यक्ति जानते राजनीति ला ता वहां जावा थसना अब मोर दाई के मोर माता के कई के कामना रिश्ता मोर माता के कई राजा दशरथ लय और वचन पर धकरारी से का के तापस वेश विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास तपसी के रूप में वनवास जाना है काकरो महर में जाना है। अब एक जन संत है लंकापुरी में रखे हनुमान अब वो कौन संत है आज ही विभीषण जी महाराज एक संत रहे हैं और ही संत के मकान के बाहर में हनुमान जी महाराज खड़े हैं और विचार कर रहे का मन बहुत रख कर का पिलागा एक ही समय भी भीषण जाना ही समय आज मन में तरक तरक है आज मातेश्वरी जाति के तलाश के साथ साथ भगवान के वचन लक्षा करके हनुमान जी महाराज लंकापुरी में पहुंचे हैं एक संत के तलाश में और जे संत ला भगवान से मिलाए के प्रयास कर ही हनुमान जी महाराज वृंदावती के संगे हो चुके हैं। ए मंच ले आप हम सब ला जा लगे हैं आवा ए मंच में सा सम्मान विदय देवो होकर पहली एक सुंदर से जगदात्री जगदादि भवानी
सुर को सजाओ माँ, हे thank you.
Oh,